खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जनपद कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब देर रात रहस्यमय तरीके से गायब दलित नाबालिग लड़की का शव मिला। नाबालिग का शव गांव के बाहर अमरूद के बाग में पड़ा मिला, तो वहीं नाबालिग के कपड़े आंशिक रूप से जले होने के चलते हत्या कर जलाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। नाबालिग का शव देख जहां परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों से पूछताछ की। परिजनों ने जहां नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या की जाने की आशंका व्यक्त की, तो वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करने की बात कही। मामला है जनपदपुर कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के जेतापुर गांव का है, जहां आज सुबह गांव के चंद्रपाल की 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री का शव गांव के बाहर अमरूद के बगीचे में पड़ा मिला। 12 वर्षीय नाबालिग किशोरी देर रात रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो गई थी। किशोरी के कपड़े आंशिक रूप से जले होने के चलते हत्या कर शव जलाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। गाँव के बाहर अमरूद के बाग में चंद्रपाल की 12 साल की नाबालिग मासूम बेटी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जाने की आशंका जताई है। चंद्रपाल की माने तो रात में वह और उसकी पत्नी छत पर सो रहे थे, तभी पुत्री अपनी दादी के साथ नीचे चारपाई पर सो रही थी। जब सुबह बेटी को घर पर नहीं देखा तो उसकी तलाश करना शुरू कर दी। काफी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चला। इसी बीच उसे गांव के बाहर अमरूद के बाग में बेटी का शव पड़े होने की सूचना मिली। साथ ही चंद्रपाल ने रेप के बाद हत्या की जाने की आशंका व्यक्त की है। थाना मंगलपुर के गांव जैतापुर में आज सुबह एक बाग में 12 साल की एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि रात में वो लोग सभी साथ सोए थे और उन्हें यह नहीं पता है कि बच्ची कब वहाँ से गई या कोई उसे कब ले गया। जब वह सुबह उठे तो लड़की घर पे नहीं थी और जब नहीं थी तो उसकी तलाश शुरू की गई और उसको तलाशते बाग में उसकी डेड बॉडी पाई गई है। इस सूचना पर पुलिस बल यहाँ पहुँचा है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो बॉडी की जो स्थिति है उस पर उसके कपड़े आंशिक रूप से जले हुए हैं, तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है। पोस्टमार्टम में जो भी और फैक्ट्स आएंगे और हम लोग भी घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाए हैं, जल्दी ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। अभी सारे ही तथ्यों पे विवेचना प्रचलित है, बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाए उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो भी चीज़ें होंगी उसके आधार पर FIR दर्ज किया जा रहा है। जो भी परिजन तहरीर दे रहे हैं या देंगे उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और घटना का शीघ्र अनावरण करके जो भी दोषी व्यक्ति इसमें होंगे, जो भी अपराधी होंगे, उसको गिरफ्तार करके उस पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिकंदरा कानपुर देहात से सुभाष कटियार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।